मत कीजिए ऐसा काम। 7 साल की जिंदगी है, स्ट्रेंथ गुण से जीविए, मेहनत करिए, ईमानदारी करिए, इससे काम कीजिए, उससे पैसा कमाइए। और अगर आपके भी नेम फेम चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत रातों रात चमत्कार नहीं होते। 100 में से किसी एक का होता है, तो वो 100 में से लकी आप होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप एक्सपेरिमेंट के लिए बस इसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए तो लगे रहो। अगर वो 100 में से एक बंदा आप समझ रहे हो अपने आपको कि मैं एक्सपेरिमेंट के लिए बना हूं तो लगे रहो, नहीं तो 99 में अगर अपने आपको समझते हो तो खड़े हो जाओ, दूसरी लाइन में आके खड़े हो जाओ, हार्ड वर्किंग करो, मेहनत करो, इज्जत से रोटी कमाओ और बड़ा नाम कमाओ, छिपने की जरूरत ना पड़े। यहाँ सर इससे मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको, इसको दिखाएगा सिर्फ एक मकसद है मेरा, थोड़ा ऊपर चलेगा। यहाँ क्या लिखा है, 26,000 करोड़ रुपए का क्रिप्टो कैश, 26,000 करोड़ रुपए का क्रिप्टो कैश, ये सब अपने आप को जितने महाकोशे थे उनका रहते होते हुए बड़े से बड़े टॉप इंडिया के नेटवर्कर जिनके वो अपने आप को मानते हैं, आज वो दिखते नहीं है इंडिया में। चलिए बहुत कर रहे थे तो बहुत सीख रहे थे, आज वो बाल नोच नहीं लो। ये तो ऐसा कुछ
अच्छे यानी बहुत और भी हैं। हमारी तरह एक कंपनी चल रही थी, जानते होंगे आप लोग, आज की डेट में पूरी तरीके से पैकअप हो चुकी है। अब डेट क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। और कंपनी का नाम है ईस्को। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इन कंपनियों के बारे में, कि वो कहते हैं ना एक गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा सा लोगो, एक लाइन है, जागो ग्राहक जागो। आपके समझ में नहीं आ रहा, ये गद्दार नेटवर्करों के चक्कर में, सेल्फिश नेटवर्करों के चक्कर में आप बर्बाद होने को लग गए हैं, और आपको कोई रोक नहीं सकता बर्बाद होने से। ये पक्का चल, क्योंकि जब तक आप बर्बाद हो नहीं जाओगे तब तक आप रोगी। मैं भी ऐसे लोगों के छाते में चुगुर में फंस गया, समझ आई बात, इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा दे दिया अपना, और वो लेके भाग गए, समझ आई बात, वो लेके भाग गए। फिर समझ में आया गेम प्लान तो गेम प्लान ही होता है। तो आप ऐसा नहीं कि गलत है, बस मैं ये कह रहा हूँ सचेत हो जाइए। पैसा हमेशा और वर्किंग कॉन्सेप्ट में ही आपको नेम फेम मिलता है, ध्यान रखिए। आज जितने भी चाहे उसमें आपके हर बदन जी हो, कोई भी बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी, उन्होंने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, जमीन से जुड़कर काम किया है, पाई पाई रुपए रुपए में वर्किंग की है, दो टू रोज आज काम किया, तब जाके वो नाम नेम फेम और एंजॉय लाइफ का मिला। ये चोरी नहीं, समझ मारे बात, ये चोरी नहीं की है। तो दिखाना चाहूंगा मैं आपको एक पिक्चर, इस पिक्चर इन सबको दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही है, दिखाना चाहूंगा मैं आपको एक पिक्चर, इस पिक्चर को देखकर आपको शायद आपकी आगे की जो रणनीति है वो क्लियर हो जाए। देखो सर, मैंने तो सपना ठान लिया है, मैंने तो सपना ठान लिया है, देखा नहीं, ठान लिया है, समझ आई बात, देखना अलग होता है, ठानना अलग होता है। तो सपने के बीच में कुछ चीजें देखनी थी, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी एक पिक्चर हमने दिखाई थी, एक हमने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी, और ये पिक्चर यहाँ पे दिख रही थी, दो साल का डिफरेंस था कितने, और एक पिक्चर आप दिखाने जा रहा हूं मैं उन बड़े ब्रांड की जिनमें कितने साल का डिफरेंस, आप खुद बताइए कितने साल का डिफरेंस है। एप्पल 1975 में स्टार्ट हुआ था, जब उसका कुछ ऐसा हाल था, देख रहे हैं आप, और आज की डेट में एप्पल का ये ऑफिस है। ये है पेशेंस और, समझ में आ रही बात, पेशेंस और कमिटमेंट। मैंने वायदा कर लिया अपने आप से करके दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब एप्पल मार्केट में उतरा था तो बहुत लोगों ने इसको डिनाई किया, बहुत लोगों ने इसकी मजाक बनाई। अब अगले चलते एक और नाम, गूगल 1998, अभी कौन सी सन चल रही है, कितना टाइम हो गया, अबे 20 तो बैठे हो गए, दो साल को और रोका लिए 24 साल, और 24 साल में एक कमरे एक रूम बड़े कंप्यूटर से बदले कहां पर, दिस वन। आज ये शीशे की भाप से बिल्डिंग उनकी अपनी खुद की है, और इनके एम्प्लॉय आज की डेट में पैसे नहीं कमाते, छापते ऑनर है, एम्प्लॉय लोग आज ड्रीम बनाते हैं कि गूगल में जॉब मिल जाए, एप्पल में जॉब मिल जाए। समझ मारी बात, जब ये इन्होंने स्टार्ट किया था तो क्या कोई ऐसा ड्रीम बना था, क्या कोई ऐसा ड्रीम बना था कि इन कंपनियों में जाऊंगा। अब चलते हैं हमारी जैसी एक कंपनी Amazon, Alibaba, 1994 ऑफिस देखिए Amazon का,
अभी देंगे, टेबल देंगे, टैक्स देंगे। ऐसे इसे दिखते हो, हमने भी हिसाब किया था। और आज की डेट में ये है अमेज़न, दिस इज अमेज़न। अब बात यह है कि अमेज़न से बड़ा होगा कैसे, पॉइंट ये था, क्योंकि अमेज़न के पास सिर्फ डिस्काउंट और ऑफर स्कीमें थी, हमारे पास पब्लिक डेटा होगा परमानेंट। यानी के नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, हमारे पास कौन डेटा होगा, पब्लिक डेटा, और वो भी बिना किसी लालच के लिए। आप पीछे वो खड़े होंगे क्योंकि आपको इनकम आ रही है, यहाँ पर जितने भी खरीदारी की तो इनकम नहीं पहुंची। अब बात आती है कि इन लोगों ने 20-30 साल में जाके परिवर्तन किए, जो परिवर्तन दिख रहे हैं ये 20-30 साल कंप्लीट लगभग हो गए तब ये परिवर्तन दिखे हैं। एंडी शॉपिंग को अभी सिर्फ 2 साल और 6 महीने हुए, तो जरा 5 साल होने दीजिए, फिर परिवर्तन का माहौल देखिए, थोड़ा और बढ़ने दीजिए, 10 साल में फिर परिवर्तन का माहौल दीजिए। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, जो अपने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एंडी शॉपिंग खड़ी होगी, क्योंकि इसने कम समय के अंदर एंडी शॉपिंग ने 24 करोड़ रुपए का टर्नओवर खड़ा किया। शॉपिंग की तो कितने का है, थोड़ा सा ऊपर का नजर
रुपए का और उसके बाद 12% सीधा इनकम हमारे पास। कुछ लोग डिमोटिवेट हो गए, कुछ लोग डिमोटिवेट हो गए कि एफएमसीजी में डिमोटिवेट हो गए कि 50% आपने क्यों लागू कर दिया, आप 100% काउंट कर रहे थे, 12% बढ़ता था, 50% बिजनेस काउंट कर रहे हैं क्यों, तो उसके रिलीजन बता। कंपनी ने डे वन से सिर्फ अपने यूजर और अपने लीडर के लिए ही प्लान किया है और उसी के ऊपर कंपनी काम कर रही है। लेकिन जब यहाँ पर कुछ चालाक चतुर चालाक लोमड़ियां मिल जाती है तो फिर वहां पर थोड़ी तकलीफ होती। हमने तो ये प्लान खिलाएंगे 5% के हिसाब से, तो 24 करोड़ रुपए पे हम पहुंच चुके अभी आज की रैली पर, लेकर अपने पास से पैसा लगाएंगे 5% के हिसाब से, तो 5 करोड़ रुपए 5% आपका 100 रुपए लगाएंगे हम डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट ना करके किसी बड़े बड़े साहब को ना देकर सीधा अपने यूजर को देंगे। अब यार कुछ बुद्धिमान लोग आ बुद्धिजीवी लोग आ रहे बुद्धिजीवी बोले ऐसे लगा देता हूं 20 आइडिया ये मेरी है, मेरे पिताजी की, मेरी बहन की, मेरी माँ की, मेरी सास की, मेरे ससुर की, वेंडर बना लिया, क्या किया वेंडर बना लिया, दुकान ही खोली, फ्रेंचाइजी है, वेंडर बन गए, माल मार्केट से उठाया और अपने ही आस पड़ोस लोगों को जाके बेच दिया और उठा के आए ही तेल चला दिया। अब कंपनी कितना परसेंट लेती है, वेंडर से कितना ले रही है या फ्रेंचाइज कितना ले रही है, 7%। और कितना प्लस कर रही थी कंपनी, यह कंपनी को तो नहीं आ रहा, ये तो अपने पॉकेट में जा रही है। तो ये चार के साथ में क्या प्लान किया कि मार्केट में जो प्रोडक्ट 10% में मिल रहा है तो उसको 2% 1% डिस्काउंट देकर मार्केट में बेच दिया, तो 7% तो जो यहाँ से वापस किया था ये वापस ले लिया, प्लस 5% कंपनी से और भी वापस ले लिया और 0.3% वेंडर की इनकम भी ले ली। सारी बात अब ये साहब ने घुमाना शुरू किया तो पता चला और लॉस ऐसे व्यक्ति दे रहा है जिसका कोई कंपनी में सरोकार नहीं। अब आती बात क्यों नहीं, ये 5% कंपनी क्यों दे रही है, पहले तो कंपनी इसलिए दे रही थी कि आप एक ऑर्गेनिक समझते हैं, ऑर्गेनिक जेन्युइन ईमानदार यूजर को दे रहे, लेकिन यहां तो ऑर्गेनिक ही नहीं था भाई, कल ये 10 को बताता अगर इसको प्रॉफिट होता तो 10 को बताता, तो 10 लोग नए जुड़ते। कंपनी ने इस लालच में 5% अपने पॉकेट में लगाना शुरू किया था क्योंकि अभी इतना मार्जिन नहीं है, 12% जो आपको भी दे पाए, 5% शॉपिंग के ऑनर को भी दे पाए और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी देख ले और उसके बाद कंपनी चलाना, तो रिटेल इंडस्ट्री में इतना कम नहीं था। तो हमने ये डिसाइड किया था कि 5 करोड़ रुपए हम अपना लगाएंगे, जितने भी लीडर है ध्यान से सुन लेना और अब ये मत कहना कि आपने बताया, बहुत सारे लीडर विवाद से फिर रहे हैं, उधर विवाद से फिर रहे हैं, सर ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपने ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया, अरे दिमाग को लगाओ यार, क्यों कर दिया, क्या मैं राशिद नसीम की तरह आपको स्कीम प्लान बनाऊं और लेके रखूं, चक्कर हो जाऊं तुम्हें चला जाओ,
ये चाहते हैं आप या फिर इस स्टोर की तरफ कभी चला जाओ या कुछ और कंपनियां बदल रही है तो आज की डेट में काम है गायब होने वाले ऑनर उनकी तरफ आ जाओ। समझ आ रही हो? गेम प्लान नहीं मेहनत कितनी भी करनी पड़ जाए जब एक मान व्यक्ति बस हार्डवर्क और सिस्टम की बात कर रहा हूं अपग्रेड होता है हमेशा सिस्टम। देखिए एक ईमानदारी है एफएमसीजी की, एक समय था कि बनिए लोग सिस्टम पूरी तरीके से बैठे हुए थे और वो बहुत बढ़िया तरीके से खुद चलाते थे। आज एक कहावत सुनी होगी आपने जब हम सामान वामान खरीदते जाते हैं होलसेलर, शायद आप लोगों ने सुनी होगी कि जब बैठते हैं बहुत देर हो जाती है आज तक चाय आ रही है क्यों बैठाते हो कि शायद इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए कुछ और प्रोडक्ट देख ले कुछ और खरीदारी कर ले, लेकिन वो चाय आती नहीं थी जब लड़के अच्छा कितना टाइम हो गया बहुत टाइम, अरे यार मैं चल रहा हूँ, अरे रुको रुको चाय आई राजू दो चाय लेके दो चाय, अरे मना कर रहे हैं कि तो ये पहले का तरीका चेंज था काम करने। अब जब व्यापारी बड़े उतरे यानी के कॉर्पोरेट इंडस्ट्री लाइन में आरंभ हुई, जियो आपका उससे पहले की बात करें विशाल मेगा मार्ट बिग बाजार, इन कंपनी ने तो सिस्टम को पूरा हिला के ही रख दिया, मार्केट हिला दी और आज का सिनेरियो यह है कि होलसेल मार्केट को खत्म करने की तैयार हो गए हैं। मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको, पॉइंट को मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पर हमने क्यों ये 50% बिजनेस काउंट किया, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूं। यहां कंपनी का 12% प्लस 0.3% जाता था, कितना जाता था 45% को जाता है। अब पॉइंट की बात करते हैं, 12.5% के आसपास कंपनी बेच रही और आ रहा था 7, तो हमने ये बोला संचाजी ऑनर से कि अगर आपको डिस्काउंट चाहता है तो डिस्काउंट पे आप वहां भी लोगों को दिक्कत हो गई, यूजर से उनके साथ मिसबिहेव करना शुरू किया ज्यादा के चक्कर में, लालच के चक्कर में। अब ये ठान लिया है कि ऐसे संचालन वालों को भी सबक सिखाना, अब ये ठान लिया है कि ऐसे संचालन वालों को भी सबक सिखाना है। पहले ये काम किया था देहरादून ने, पहले ये काम किया था देहरादून में हमारे साथ वहां के संचालन ऑनर ने, पहली संचालन हमने खोली। आज देहरादून में 2 फ्रेंचाइजी, उसके बाद सन 2021 में एक फ्रेंचाइजी थी जिसने बहुत ड्रामा दिखाया और उससे फ्रेंचाइजी में हमारे लोगों को सर्विस देना बंद कर, जिसमें नाजिम जी की एक टीम थी जो एसएम के अंदर ज्वाइन थे यार, वो वहां पहुंचे उनके साथ डिसीजन किया कि नहीं हम डिस्काउंट नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो हमने कहा ठीक है तेरा चैप्टर क्लोज। आज 2 नई फ्रेंचाइजियां वहां पर सर्विस प्रोवाइड कर रही है और भरपूर तरीके से कर रही है। तो अगर कोई भी फ्रेंचाइजी ऑनर ये समझता है कि उसके ऊपर हमारी गंगा बह रही है तो मुझे लगता है शायद वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता ये नाव नहीं है तो जो अभी ये जहाज है, जहां से गुजरेगा ना सबको अपने साथ लेता चलेगा। अभी भैया और ये धीरे 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 बड़ा हो रहा है, ये अपना विशाल काय रूप ले रहा है। आज हमारी हल्की ओपनिंग जिसे प्रॉपर ओपनिंग कहते हैं तो वो बदरपुर फ्रेंचाइजी की हो रही है। कल रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर थी, परसों पिछले दिन अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर के अंदर थी, उससे पहले बात करते हैं हम हमीरपुर के अंदर 1 करोड़ रुपए का हमने मार डाले। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग? बेटा पानी लेके आना। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग?
शायद अभी भी नेगेटिविटी अगर दिमाग में है तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, अगर अभी भी नेगेटिविटी दिमाग में है कि ये आधा परसेंट क्यों कर दिया यार, मतलब 50% क्यों कर दिया, आपके सीपीटीओ बोनस पे कोई असर नहीं, 3000 देंगे कंपनी चलाएगी 15% 50% 1500 रुपए, लेकिन आपका सीपीटीओ बोनस कंटिन्यू रहेगा, क्लियर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना पहले कोई यूजर को फर्क था ना आपको, क्योंकि वो तो जितने का खरीद रहा था उतने का ही उसे खरीदना है, किसको फर्क है, सिर्फ लीडर को, उसी को 50% डिस्काउंट हो रहा, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, अगर गहराई से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आज की डेट में ऑनलाइन जितना भी माल हम दे रहे हैं आपको, इवन ड्रॉप में भी जहां मार्जिन नहीं आता उस पे भी 12% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑनलाइन पूरी इंडिया के अंदर। हम आज की डेट में FMCG, अगर आप ये खरीदते हैं तो 50% हम तब तक के लिए कर रहे हैं जब तक हमारी परचेज ज्यादा नहीं हो जाती। जैसे ही परचेज ज्यादा हो जाएगी, ये 12% नहीं हो सकता, 13% ही मैं आपको, और मैं तैयार हूं चीज के लिए, मैं आपको यही बता दू, मैं तैयार हूं चीज के लिए कि 22 अभी 20 लेवल है, हम इस लेवल को और नीचे लेकर जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम 3 से आपको पैसा आना चाहिए, तो जब आएगा तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, इसको हमने 50% डाउन किया, कितना आपको 12%, अब 50 मान लेते हैं आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा था, कितना, तो यहाँ पर आपकी आईडी पे चढ़ाया गया 500, ठीक है, ये कुछ समय के लिए है, लाइफ टाइम नहीं है, फिर से वापस यही आ जाए, जब तक माहौल बन नहीं जाता पूरी तरीके से, ये तब तक के लिए। और एक और बता दूं मैं आपको, जितने लीडर अपना मन बनाए बैठे हैं मेरा मेरा मुंह करके कि अब जब देख लेंगे स्टार्ट हो जाएगा तब देखेंगे, तो मैं आपसे कहता हूं कसम है आपको अपनी और अपनी टीम की, इंतजार ही करने को, ठीक है ना, एक साल के अंदर मैं अगर आपको ना दिखा दूं कि ये 12% या 13% बात है तो बहुत अपने जवाब से दे, नहीं पूछ रही थी, बोलिए, ठीक है ना, अपनी जवान से पलटने वालों में अगर बात, ठीक है, एक साल में आपको अगर दोबारा देरी तक हम ना पहुंचाते, पहली चीज, अभी फ्रेंचाइजी का हालत ये है कि हर दिन हम एक फ्रेंचाइजी को ओपन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी भी प्रमोट नहीं कर पा रहे, मत कीजिए ऐसा काम, 7 साल की जिंदगी है, स्ट्रेंथ बूस्ट से जीजिए, मेहनत करिए, ईमानदारी करिए, काम कीजिए, उससे पैसा कमाइए, और अगर आपके भी नेम फेम चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत रात रात चमत्कार नहीं होते, 100 में से किसी एक का होता है, तो वो 100 में से लकी आप होंगे, तो अगर आपको लगता है कि आप एक्सपेरिमेंट के लिए बस इसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए तो लगे रहो, अगर वो 100 में से एक बंदा आप समझ रहे हो अपने आपको कि मैं एक्सपेरिमेंट के लिए बना हूं तो लगे रहो, नहीं तो 99 में अगर अपने आप को समझते हो तो खड़े हो जाओ, 99 में आगे खड़े हो जाओ, हार्ड वर्किंग करो, मेहनत करो, इज्जत से रोटी कमाओ और बड़ा नाम कमाओ, छिपने की जरूरत ना। अभी विमल जी हमारे पहुंचे थे कल से पंचायती पर रिबन काटने के लिए, तो जैसे एक नेता का स्वागत होता है, कौन अपनी दुकान का 10-15 लाख रुपए लगा के आपसे रिबन कटवाए, कौन हो आप, आम आदमी से कोई रिबन कटवाया, उनसे कटवाया गया क्यों, क्योंकि वो कंपनी के कोर मेंबर थे, टॉप लीडर थे छत्तीसगढ़ के, इसलिए कटवाया गया, दिस इज द, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज द रिस्पेक्ट, इसे कहते हैं रिस्पेक्ट माय डियर फ्रेंड, सम्मान देना, और ये इंडस्ट्री देती है, ऐसी कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं है जो आपको ऑनर की जगह लाख उपाधि दे, हम नहीं थे, लेकिन हमारी जगह हमारी टीम थी, हमारे लोग थे, और उनको वही रिस्पेक्ट वही इज्जत मिली जो हमें मिलती, ये है नेटवर्क मार्केटिंग, और यही
अगर आपको अभी भी तकलीफ है, उस समय वेट कर लीजिए। हम दो साल में ऐसा बाउंस बैक करने वाले हैं कि बड़ा बड़ा नेटवर्कर आपकी कंपनी के दरवाजे के बाहर खड़ा होगा, ज्वाइन कर दीजिए। सिस्टम की पावर है, क्योंकि ये सिस्टम की पावर जब आपके पॉकेट में दिखने लगेगी, अकाउंट में दिखने लगेगी, तो ये अपने आप ही उछल के बाहर आएगी। कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आज की डेट में जो लोग कहते हैं कि साहब सामान महंगा है, सस्ता है, ऐसा है और वैसा है, तो ये इनके लिए जिंदगी भर रहने वाला है। आपको शायद पता होगा ग्रोमर्स कंपनी, जानते हैं, बहुत बवाल मचाया उसने पूरी इंडिया के अंदर, सस्ता 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 सस्ता, और आज ग्रोफर गुम हो, आज ग्रोफर बंद हो चुकी है। इतनी लाइब्रेरी आ रही है उनके ऑनर ने दूसरी कंपनी को के स्टार्टअप के नाम पे फिर से पैसा उठाया और ब्लैंकेट का नाम उसको दिया है। हम नहीं चाहते कि हम गुम हो और हम कोई दूसरे नाम से चोरी छिपके आए। इसलिए ये 5% जो आप देख रहे हैं रोकने की कोशिश की थी कि बर्बादी से बेहतर है धीरे चलेंगे, स्लो चलेंगे, लेकिन लाइफ टाइम चलेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो इंडस्ट्री में ये पावर देख रहे ना, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये वाली पावर किसी भी अदर कंपनी में नहीं है। और अब पैसे की बात करते हैं, इनके ऑर्डर चार्टेड प्लेनों में घूमते, किसे घूमते, खुद नहीं घूमते, उनके एम्प्लॉय भी घूमते। आपको शायद पता नहीं कि जितनी हो जितने भी घूमते हैं, उनके टाउन में जो एम्प्लॉय है वो भी करोड़ रुपए कमाते हैं, करोड़ रुपए कमाते हैं। तो चीजों को समझने की जरूरत है। हम जो यहाँ पर आए हैं आपके साथ 35% अपने प्रॉफिट का शेयर करने आए हैं। किसको? किसको? लीडर्स को। यानी कि कंपनी बढ़ेगी तो लीडर भी बढ़ेगा। तो कल अगर कंपनी 200 करोड़ की होती है प्रॉफिट में, तो आपके घर में उसका कितना हिस्सा जाने वाला है। और उसको हम 15% और बढ़ाएंगे, मैंने इसको 50% तक लेकर जाएंगे। तो धमाल के लिए तैयार हो जाएगी, अगले धमाल के लिए तैयार हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। आज से हमने अपनी वेबसाइट लाइव कर दी है और वेबसाइट का नेम है, मैं चाहूंगा देखा मैं मात्र जो अब तक आप लोगों को परेशानियां हो रही थी, तकलीफ हो रही थी कि आप आईडी से ही जाके प्रोडक्ट
एक फिक्स प्रोडक्ट लेते थे, अब हम यहाँ लेकर आए हैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस, यानी कि आपकी मर्जी के जितने प्रोडक्ट हमारे पास आते जा रहे हैं वो अपलोड होते चले जाएंगे यहाँ पर, और आपकी मर्जी के प्रोडक्ट अब इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। तो आप जो मर्जी चाहे उसका प्रोडक्ट उठाइए, उसका टीवी होगा, उसमें टीवी दिया होगा, 1000 टीवी का जैसे ही आपने परचेज किया आपने अपने मर्जी से आपकी ज्वाइनिंग एक्टिवेट हो जाएगी और आपको ऊपर इनकम फील हो जाएगी। तो सब आपका जाइए वेबसाइट पे, यहाँ से हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे बाद में, ट्रेनिंग करने के बाद मिलता क्या है काम करने से उस पर बात। ठीक है, तो वो सारा ठीक हो जाएगा, कपड़े जूते चप्पल जो मर्जी आए, हम बहुत सारे प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, इसमें जाना पहले प्रोडक्ट में और आपको दिखा।